हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। क्या जान सकते हैं हम लोग आप लोगों के लिए फॉर अप्रैल, बाकी का जो सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। एंड एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर यू। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके बिल्कुल देख सकते हैं। ओके, इज देयर एनीथिंग एल्स? ओके, तो हम लोग आपकी रीडिंग शुरू करेंगे यूनिवर्सल थीम मैसेजेस दैट यूनिवर्स आपको देना चाहेंगे इस टाइम पे। कोई भी मैसेज जो आपके लिए इस वक्त जानना सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो द फर्स्ट एनर्जी वी हैव वेलकम द डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, सो आई फील लाइक यहाँ पे व्हाट यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट, ये मैस्कुलिन सिर्फ कोई इंसान, आई डोंट थिंक ये सिर्फ कोई इंसान है आपके लाइफ में, या यूनिवर्स इसे बस एक इंसान के रूप में नहीं दिखाना चाहते हैं। आई फील दिस मैस्कुलिन अबाउट इज अबाउट योर मैस्कुलिन एनर्जी। आपका जो मैस्कुलिन एनर्जी है, हर इंसान का एक मैस्कुलिन साइड होता है, एक फेमिनिन साइड होता है, एंड यूनिवर्स यहाँ जिस चीज़ की बात कर रहे हैं दैट इज़ द मैस्कुलिन साइड। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप बिलीव नहीं कर रहे हो? बिकॉज आई फील लाइक बहुत सारे लोग आप लोगों में से कॉन्फिडेंस इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हो, बहुत सारे लोग आप में से बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस कर रहे हो, चाहे हो सकता है कि वो आपकी बॉडी से रिलेटेड हो, आपका हेल्थ हो सकता है वो आपका मेंटल हेल्थ हो, या फिर आपको बस इनसिक्योरिटीज़ या कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही है। बिकॉज आई फील लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप लाइफ में चेंज करना चाहते हो, या जहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत है, बट मे बी आप उस चीज़ को उतना ज़्यादा इफेक्टिवली समझ नहीं पा रहे हो। What is the honest truth? What is your honest truth? Yes, because I feel like यहाँ पे Pisces, there is a lot of things जिसे आप अनदेखा कर रहे हो आज के टाइम पे, and spirit is saying that ये चीज़ नहीं हो सकता, you are missing out on a lot of things in life. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लाइफ में समझ नहीं पा रहे हो वो इसलिए क्योंकि आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्योंकि आप हर एक चीज़ को बहुत ही अलग नज़रिए से देख रहे हो। यहाँ पे एक चेंज की ज़रूरत है, यहाँ पे आपकी नज़रिए को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देर इज़ अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी, देर इज़ अ लॉट ऑफ क्या बोले, देर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो होने से, या किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो करने से, बिकॉज आपको लग रहा है आप तैयार नहीं हो, आप अभी इस वक्त सही समय नहीं है, या इस वक्त आपको समझ नहीं आ रहा है। मे बी आप कोई डिसीजन को टाल रहे हो, मे बी आप कोई काम को टाल रहे हो जो आपको करना है, बिकॉज आप कॉन्फिडेंट नहीं हो आप में, वो फिलहाल आप उतना ज़्यादा हिम्मत को लाइक आप उतना courageous फील नहीं कर रहे हो, हिम्मत नहीं हो रही है आपको। बट यूनिवर्स इज सेइंग दैट देयर नीड्स टू बी दिस चेंज, जहाँ पे यू हैव टू डू समथिंग जिसे आप टाल रहे हो। ये कोई काम हो सकता है, ये कोई आपका कोई रूटीन हो सकता है, कोई डिसीशन हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। आपको वो कॉन्फिडेंस लाना ही होगा, आपको ट्रांसफॉर्म होना ही होगा, आपको इस जगह से निकलना ही होगा, या आपको ये काम करना ही होगा। सो ये हर किसी के लिए कुछ अलग ही है, लेकिन आपको पता है ये क्या चीज़ है, आपको पता है ये कौन सा काम है। ओके, सो इसे टालो मत, ये मत सोचो कि ये सही टाइम नहीं है या आप तैयार नहीं हो, बिकॉज आप तैयार हो। इट्स जस्ट दैट आपको बिलीव करना होगा कि आप तैयार हो, आपको मानना होगा दिल से दैट आप ये कर सकते हो, वो हिम्मत आपको दिखाना होगा। ओके, एंड आपका मैस्कुलिन साइड बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचो, फिनेंस के बारे में सोचो, ग्रोथ के बारे में सोचो। यू नो दिस इज़ द टाइम कि आप हसल करो, आप थ्राइव करो, आप लाइफ में अपने लिए कुछ करो, करके दिखाओ, या आप अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, करियर, फाइनेंस, आपका स्टेबिलिटी, आपका कुछ भी हो सकता है, बट इट्स ऑल अबाउट यू दिस टाइम। आप खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप खुद के ऊपर वो विश्वास, वो एनर्जी नहीं डाल रहे हो, वो अटेंशन आप अपने आप को नहीं दे रहे हो जो आपको देना चाहिए।
ओके, नाउ लेट्स सी योर करियर सिचुएशन हियर. वी हैव द सेवन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, द लवर्स, द हायरोफेंट एंड साथ साथ है द जजमेंट. ओके, नाउ व्हाट आई फील लाइक इज देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आपके करियर में जिसके साथ आप डील कर रहे हो. लाइक आई सी दैट आपको पता है देर इज़ अ टाइम, लाइक आप कुछ आते हुए देख पा रहे हो, या तो ये आपका रिजल्ट है या तो ये आपका कोई लाइक या लाइक सम टाइप ऑफ अ रिजल्ट जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब मुझे पता चलेगा मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, कब मुझे पता चलेगा कि मैंने एग्ज़ाम में कैसा मार्क्स स्कोर किया, कब मुझे पता चलेगा कि मेरा सर्टिफिकेट कब आएगा. सो देर इज़ समथिंग जिसका आपको इंतज़ार है, ऐसा कुछ है जो आपको पता है ये टाइम आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाला है, रिजल्ट आने वाले हैं, या इंटरव्यू के डेट्स आने वाले हैं, क्लाइंट मीटअप्स आने वाले हैं, बिजनेस में कुछ होने वाला है. सो देर इज़ समथिंग जो आप एंटिसिपेट कर रहे हो, आपको पता है ये होने वाला है, ये आने वाला है, ये चीज़ आपको मिलने वाला है, या कोई आपसे कुछ मांगने वाला है. इट कुड बी एनी थिंग, कोई प्रोजेक्ट, कोई असाइनमेंट, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई टारगेट. बट देर इज़ समथिंग जिसे आप एंटिसिपेट कर रहे हो, आपको पता है दिस इज़ कमिंग, दिस इज़ हैपनिंग, या ये होगा इस टाइम में. सो आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने वाले हो इस टाइम पे कि आप कितने समय के अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, या आप कैसे किस टाइम पे आप क्या कर सकते हो अपने करियर को चेंज करने के लिए, या इस करियर सिचुएशन में बदलाव लाने के लिए. बहुत सारे लोग हैं जिनका करियर ओवरऑल मैं कहूँगी अच्छा रहेगा इस टाइम पे, स्मूथ रहेगा, एफर्टलेस रहेगा. अगर आप प्लानिंग कर रहे हो प्रॉपरली तो सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से होगा, एंड आपको कोई गुड न्यूज़, गुड रिजल्ट मिलेगा. स्पेशली अगर आप अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर, अपने करियर के ऊपर इस वक्त फोकस्ड हो, तो मैं आपसे कह सकती हूँ दैट आपके साथ जो भी होगा वो बेटर होगा, अच्छा होगा. कोई कुछ गुड न्यूज़, कुछ इंक्रीमेंट, कुछ कुछ पॉजिटिव ही पकड़ लो. लाइक देर इज़ समथिंग पॉजिटिव कमिंग, लाइक आई एम हियरिंग अ बिग डे, अ बिग डे. कुछ अच्छा जो आप रिसीव करने वाले हो सडनली, या तो आपने प्लान किया, आपको पता है ये चीज़ आप रिसीव करोगे क्योंकि आपने वो हार्डवर्क दिया है, क्योंकि आपने वो समय दिया है अपने आप को, अपने करियर को. ओके, कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने पास्ट पे कि उस टाइम पे मैंने ये किया, पर उस टाइम पे ये हुआ था, उस टाइम पे वो हुआ था. बट स्पिरिट इज सेइंग दैट पास्ट सिचुएशन आपका पास्ट सिचुएशन है, तो उसे आप खामखा क्यों अपने प्रेजेंट के साथ कंपेयर कर रहे हो. वो जो होना था वो हो गया, वो बीत गया. जो तरीके, जो चीज़ें तब काम आया था आपको, ज़रूरत नहीं है कि सेम तरीका, सेम चीज़ अगर आप आज़माओ तो इस वक्त भी आपको चेंजेस दिखेंगे, बिकॉज समय और बदलाव इंसान की ज़िंदगी में होता रहता है. सो आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू आपको थोड़ा सा सुधार लाना चाहिए अपने नज़रिए में, अपने सोचने के तरीके में, अपने प्लानिंग में, बिकॉज आप सेम चीज़ को सेम तरीके से प्लान करके कुछ डिफरेंट रिजल्ट उसका आप नहीं निकाल सकते. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा चीज़ ये दैट आपके करियर सिचुएशन में रिलेटेड इस वक्त किसी, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ कम्पीट करेंगे, या काइंड ऑफ पीठ पीछे आपके साथ आपकी कुछ भी, लाइक आई फील लाइक ये लोग पीठ पीछे कुछ ना कुछ यहाँ पे करने की कोशिश कर सकते हैं. इट कुड बी लाइक आपके पीठ पीछे गॉसिप करना, या आपको डीमोटिवेट करना, या आपके फाइनेंसेस के साथ लाइक आपके पैसों को इस्तेमाल करना, या फिर किसी को गलत, लाइक आपको गलत एडवाइस देना. कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे ताकि ये लाइक ऐसे ये लोग हैं जो आपको जीतते हुए नहीं देखना चाहते, नहीं चाहते कि आप लोग अच्छा करें, नहीं चाहते कि आप लोग, आप लोगों को फाइनेंशियली लाइक हेल्प मिले, या आप खुश रहो, या आपको जॉब मिले, व्हाटएवर, कुछ भी आपके लिए जो भी सक्सेस है, ये लोग नहीं चाहते आप सक्सेसफुल बनो. एंड ये आपके काफ़ी करीबी लोग हो सकते हैं, या आपके ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें आप रोज डील कर रहे हो, ऑफिस में, बिजनेस में, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, व्हाटएवर. ओके, सो बी वेरी केयरफुल ऑफ पीपल्स एनर्जी, बिकॉज लोग आपको थोड़ा सा
लाइक नेगेटिव एनर्जी दे सकते हैं इस टाइम पे, डीमोटिवेट कर सकते हैं, आपको लग सकता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, गलत इन्फॉर्मेशन तक लोग आपको दे सकते हैं. सो बी वेरी केयरफुल, हर एक चीज़ को दो तीन बार यू नो देख लेना मिला के, दैट आप जो सुन रहे हो, जो कर रहे हो, जो समझ रहे हो, क्या वो सच है, क्या वो सही है या नहीं, एंड फिर आगे बढ़ना. स्पेशली कोई लीगल सिचुएशन चल रहा है तो स्पेशली उन लोगों को बहुत ध्यान रखना होगा अबाउट द लीगैलिटीज ऑफ योर सिचुएशन, लीगल सिनेरियोज के बारे में. ठीक है, नाउ आते हैं आपके लव लाइफ में. एंड मैं पहले ही बोल दूँ दैट यहाँ पे एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकते हैं, कि आपको लगे आपकी एनर्जी आपके पर्सन की है, आपके पर्सन की एनर्जी एक्चुअली आपकी है. ओके, let's see your person's energy right now. Okay, we have the two of wands aur aapki energy hai the nine of pentacles. Interesting. Okay, I feel like aapke person jo hai yahan pe Pisces, this person is like very much on their in their heads. यस, ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा समय बस सोचने में बिता रहे हैं. इस पर्सन के दिमाग में कई सारे, काफ़ी सारे चीज़ें एक साथ चल रही है, इस कनेक्शन को लेके, अपने लाइफ को लेके, ओवरऑल सब कुछ लेके. शायद ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है आपसे, या फिर ये ट्रैवल कर रहे हैं या करने वाले हैं, बिकॉज आई फील लाइक ये पर्सन अपने फ्यूचर के तरफ बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज डाल रहे हैं अबाउट द फ्यूचर ऑफ their करियर या फ्यूचर ऑफ वॉट एवर, लाइक उन लोगों का जो फ्यूचर है उसमें फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर को देखना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या होगा इस चीज़ के बारे में काफ़ी चिंतित लग रहे हैं. नाउ दूसरे साइड में मुझे ये भी लग रहा है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड पाइसीज दैट दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स. ओके, इस पर्सन को फील होता है, इस पर्सन को अटैचमेंट है आपसे, उसमें कोई भी दोहराए नहीं है उसमें. ये पर्सन लाइक आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ अ जेन्युइन पर्सन, बट ऑल्सो देर इज़ अ चांस ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. देर कुड बी अ चांस ऑफ अ थर्ड पार्टी दैट इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. अब थर्ड पार्टी मतलब सब लोगों के लिए कोई और व्यक्ति होंगे, अफेयर होगा, जरूरी नहीं है. थर्ड पार्टी हमारे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, हमारे हमारा जॉब, हमारा करियर हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई दूसरा अफेयर. तो इस नज़रिए से अगर आप देखोगे तो आई फील लाइक इस पर्सन के लाइफ में कुछ और इन्फ्लुएंसेस काम कर रहे हैं, जिस वजह से वो अपना इमोशंस बोलो, अपना अटैचमेंट बोलो, फीलिंग्स बोलो, कुछ भी बोलो, वो बहुत अच्छे से छुपाते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो अपने लाइफ में फ़िलहाल उस जगह पर नहीं है कि वो अपना लाइफ अपने हिसाब से जी सके या अपने लाइफ में जो मन वो कर सके. तो उन्हें कुछ लिमिटेशंस या कंट्रोल में रहना होता है, क्योंकि उनका लाइफ का फ़िलहाल ऐसा सिचुएशन है. हो सकता है कि वो अभी भी उतना ज़्यादा फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, हो सकता है कि उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा उनके उनको कंट्रोल करती है, हो सकता है दैट वो ऑलरेडी मैरिड है, कुछ भी हो सकता है. बट इस दिस इज़ समबडी हु फील्स लाइक उनका लाइफ पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में नहीं है, या चीज़ें उनके हिसाब से होता नहीं है. सो इन्हें काइंड ऑफ ये अपने लाइफ में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स के थ्रू जा रहे हैं, यूजुअली जाते हैं. And also this person is hiding a lot of feelings for you. अपने दिल में ये बहुत कुछ फील करते हैं, सोचते हैं, बट ये उन चीज़ों को छुपाते हैं आपसे, बिकॉज इन्हें लगता है कि जब तक ये एक स्टेबल जगह पे नहीं आ जाते लाइफ में, तो तब तक इस कनेक्शन में भी कुछ नहीं होगा, कुछ चेंजेस नहीं आ सकते. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यू पाइसीज, आई फील लाइक आपसे मुझे जो एनर्जी मिल रही है दैट इज़ ऑफ फ्रीडम. आप काइंड ऑफ अपने आप को स्टेबल पूरी तरीके से रख भी रहे हो, साथ में आपने डिसाइड किया है दैट इस पर्सन की एनर्जी में जो भी नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट है, उन चीज़ों को आप अपने लाइफ को चोट पहुंचाने नहीं दोगे, उन चीज़ों का प्रभाव आपके लाइफ में नहीं पड़ेगा. ये डिसीजन आपने लिया है एंड आप उसमें काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो. आप फोकस कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने खुशी पे, अपने हैप्पीनेस, अपना हेल्थ, अपनी फैमिली, कुछ भी बोलो, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, जिस वजह से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रख रहे हो इस पर्सन से. आपको पता है आप क्या डिज़र्व करते हो, आपको पता है इस कनेक्शन के लिए आपने सब कुछ किया है, जितना आपने हो सके आप
आपने अपना 100% दिया है, सो अभी आप और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, अभी आप इस चीज़ को ओवर थिंक नहीं करना चाहते, आप बस अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो, अपने मी टाइम को एंजॉय कर रहे हो, आपको लग रहा है जो होगा वो तो दिखेगा, वो तो होगा ही, तो अभी इतना ज़्यादा ओवरथिंक करने का भी कुछ ज़रूरत नहीं है, जब जो होगा तब तब वो सब देखा जाएगा। सो आपने अपनी एनर्जी को काफ़ी फ्री कर दिया है, काफ़ी ओवर थिंक से मुक्त कर दिया है। सो दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग फॉर यू पाइसीज, ओके, एंड आई होप दिस इज़ वॉट हेल्प्स यू आउट हियर, एंड दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू आने वाले 15 डेज के लिए या बाकी अप्रैल के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।